एवरीवन, दिस इज अर्चना फ्रॉम बी विद्यार्थी। कॉमन मिस्टेक्स की वीडियोस को मर्ज करके ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स कवर की गई हैं। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को लेके हम लोग अक्सर टेंस रहते हैं, राइट? बट फ्यूचर टेंस को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस सेशन में हम आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको फ्यूचर टेंस यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर सिंपल टेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। नाउ यू विल हैव टू चेक whether these are correct or not. I'm sure he is going to help you. I'm sure he is going to help you. This is future simple tense. I'm sure he is going to help you. This is incorrect. क्यों? Because जब हम अपनी expectation या अपनी thinking share करते हैं किसी के साथ, तो हम लोग वहां पे विल यूज करते हैं। सो आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, दिस वुड बी करेक्ट। सो आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, आई वोंट प्रोबेबली बी देयर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम वोंट यूज करते हैं तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, प्रोबेबली पहले आएगा, वोंट बाद में आएगा, लाइक दिस। सो आई प्रोबेबली वोंट बी देयर। और अगर हम विल लगाते हैं तो प्रोबेबली और डेफिनेटली जैसे एडवर्ब्स विल के बाद आएंगे, जैसे आई विल प्रोबेबली या फिर आई विल डेफिनेटली बी देयर। ओके, अच्छा नेक्स्ट, I promise I am going to help. ये भी incorrect है। यहाँ पे आएगा जब हम promise word use करते हैं तो mostly हम लोग उसके साथ will use करते हैं। I promise I'll help. ये आएगा यहाँ पर। Okay, now future continuous. I will be celebrate after work. ये तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि it's incorrect. क्यों? बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, राइट? सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग आफ्टर वर्क, ये आएगा यहां पर। आई विल बी सेलिब्रेटिंग आफ्टर वर्क। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट सिंपल, द फिल्म विल ऑलरेडी हैज स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट होम, राइट? दिस इज इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि यहां पर विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, तो यहां पे क्या मिसिंग है? विल ऑलरेडी है, यहां पे हैव मिसिंग है। सो हैज को हम हैव से रिप्लेस कर देंगे। द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट होम, राइट? जब तक हम घर पहुंचेंगे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी, ये इसका मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट, विल हैव यू फिनिश्ड इट बाय द टाइम आई कम बैक। आई थिंक ये भी बहुत क्लियर है, यहां पर वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन फॉर्म में क्या लगेगा? पहले विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। सो विल यू हैव फिनिश्ड इट बाय द टाइम आई कम बैक। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा। सो दिस इज द ओनली मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई विल हैव
working in the company for 5 years next month. यहाँ पे क्या मिस्टेक है? Try. Okay. यहाँ पे will plus have plus क्योंकि ये continuous है. So will plus have plus been plus verb की ing form, right? Will plus have plus been plus verb की ing form, right? ये लगेगा. So यहाँ पे क्या क्या missing है? I will have been working in the company for 5 years next month. Okay. Next, I will have been working in 3 different positions at the company by the end of the year. अब यहाँ पे क्या mistake है? यहाँ पे तो will भी है, have भी है, been भी है और verb की ing form भी है. तो यहाँ कहाँ mistake हो गई? Okay. जब हम यहाँ पे हम 3 different positions के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी specific number के बारे में या फिर amount के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे continuous form use नहीं होती, वहाँ पे simple form use होगी ये वाली. So यहाँ simple form में क्या था? Will plus have plus past participle. So ये form यहाँ पे use होगी क्योंकि हम लोगों ने 3 different positions की बात की है. So I will have worked in the 3 different positions at the company by the end of the year. So I hope आपको future के सारे tenses अच्छे से समझ में आ गए. It's all clear. If you still need any clarification, then please do write us in the comment box below. And अगर आपको सच में समझ आ गए हैं, तो please सभी future tenses के लिए एक-एक sentence form कीजिए और हमें comment box में लिख दीजिए. We'll review it as soon as possible. In this session, we'll talk about some common mistakes that students make in English grammar. For example, when they use nationalities, they add people with nationalities, which is wrong. For example, Canadian people, American people, and similarly with religion like Hindu people, Muslim people, which is wrong. So let's see some examples. First, some American people hate winter. Do you think this is correct? Yes, it is incorrect. So I'll give you a hint. यहाँ पे कुछ problem है. American people. Yes, your guess is correct. जब आप American use कर रहे हैं, you don't need to use people. Instead of using people, आपको यहाँ पे s add करना है, right? So the correct sentence: Some Americans hate winter. So you should get rid of this people. Next sentence. Many American people don't like sports. Same problem, right? People को आप cut करेंगे and American में आप s add कर देंगे. Similarly, many Canadians, many Indians, right? So people आप use नहीं करेंगे. Next, Hindu people fast during Navratras. Same problem. रिलीजन के साथ भी आप पीपल यूज नहीं करेंगे एंड यू एड एस व्हेन देयर आर मोर पीपल यू एड एस. सो हिंदूज फास्ट ड्यूरिंग नवरात्रास. ऑलराइट. नेक्स्ट एक और कॉमन मिस्टेक. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज मोस्ट अलॉट और सम के साथ अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, most of Indians study Hindi and English in school, right? So यहाँ पे क्या mistake है? Can you guess? Here is the mistake. Most के साथ you don't need to use of. So of को हम हटा देते हैं. And now the correct sentence is most Indians study Hindi and English in school.
in school, right? So, most Indians, most Americans, okay, most Canadians, so most ke saath aap of use nahi karenge. Next, a lot people study Hindi. यहाँ पे भी एक मिस्टेक है. ओके, इसके जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे आपको ऑफ यूज करना है. यू नीड टू यूज ऑफ विद अलॉट. ऑलराइट, अलॉट ऑफ पीपल स्टडी हिंदी. ऑलराइट, और ऐसे ही सम के साथ भी अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. सम के साथ भी मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं मोस्ट ऑफ इंडियंस स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश, बट अगेन सम के साथ भी मोस्ट की तरह हम लोग ऑफ यूज नहीं करेंगे. सो दैट वुड बी सम इंडियंस स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश इन स्कूल. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, एवरी ऑल के साथ भी स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. एवरी पीपल शुड हैव क्लीन ड्रिंकिंग वॉटर. ओके, यहाँ पे कैन यू गेस व्हाट इज अ मिस्टेक? यस, एवरी पीपल, एवरी के साथ पीपल इज प्लूरल, सो एवरी के साथ यू हैव टू यूज सिंगुलर. ओके, सो एवरी पर्सन आप कह सकते हो, बट पीपल इज इनकरेक्ट. सो इधर यू यूज एवरी पर्सन और everybody और everyone. इनमें से आप कुछ भी यूज कीजिए, बट पीपल यू कैन नॉट यूज बिकॉज दिस इज प्लूरल. सो everyone, everybody और every person should have clean drinking water. Alright? Next, oil के साथ भी लोग अक्सर mistake करते हैं. And what is a mistake? All person need water to, all person need water to survive. यहाँ पे what is the mistake? Obviously, all के साथ आप plural use करेंगे. All के साथ singular नहीं चलेगा. And person is singular. So, all people need water to survive. So, person का आप plural बना देंगे, that is people. All people need water to survive. People. Okay? Next. People needs to eat. यहाँ पे क्या mistake है? ज्यादातर students सोचते हैं कि people means many people. So, this is plural. तो यहाँ पे s add कर देते हैं, which is wrong. This is like they, people. Okay? So, people के साथ verb में s add नहीं होगा. Right? The correct sentence would be people need to eat. Okay? Next, everybody need to eat. और यहाँ पे क्या mistake है? Again, verb में mistake है. Everybody is singular. और जब आप singular subject है आपका, तो verb में आप s add करेंगे. That is, everybody needs to eat. Alright? I hope this is clear. In case you have any doubts, please do write us in the comment box below and we'll reply as soon as possible. Welcome back to another session on common mistakes in English tenses. We have already covered present tense. In this session, we'll talk about the past tense. So, let's get started. Past simple tense. These are the mistakes people generally do in past simple tense. Did he wrote a letter? This sentence is incorrect. Why? Because जब हम question word did use कर रहे हैं, तो उसके साथ verb की original form आएगी. Original form, base form, right? या फिर infinitive form आप कह सकते हैं. तो did he write a letter? यहाँ पे हम write verb use कर रहे हैं, तो इसकी original form, यानी यहाँ पे write आना चाहिए. Did he write a letter? This is the correct sentence. Okay. Next. My grandfather had died last year. ये भी गलत है.
क्यों? Because यहाँ पे had use नहीं होगा, past simple tense है, यहाँ पे verb की verb plus ed form verb की use होती है, so my grandfather died last year, यहाँ पे helping verb की कोई जरूरत नहीं है, so my grandfather died last year, right? Next, past continuous tense, okay. The most common mistake, we were playing tennis every morning. Har subha, meaning, har subha hum tennis khelte the. We were playing is incorrect. Kyun? Because, jab past ka koi action, koi repeated action hota hai, jise hum har din, har shaam, baar baar repeat karte hai. तो वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट सिंपल यूज करते हैं. तो वी प्लेड टेनिस एवरी मॉर्निंग, पास्ट सिंपल में क्या आता है? वर्ब प्लस ईडी. तो वर्ब की ईडी फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक रिपीटेड एक्शन है पास्ट का. हम हर सुबह टेनिस खेलते थे, इसकी इंग्लिश है वी प्लेड टेनिस एवरी मॉर्निंग. तो यहाँ पर वर्ब playing incorrect है, we played. So, I hope आपको reason समझ में आ गया. Every morning, ये past का action है जो बार बार repeat हो रहा है. हर सुबह हम tennis खेलते थे, तो यहाँ पर past simple use होगा. So, past simple में, past simple की क्या form होगी? Playing की played. So, we played tennis every morning. Next, they watched TV when I came. ये भी गलत है. Why? हम एक particular time के बारे में बता रहे हैं. When I came, जब मैं आई, तो वो TV देख रहे थे. So TV देख रहे थे. This is continuous, right? So they were continuous में हम क्या लगाते हैं? Were plus ing. Past continuous में, so they were watching TV when I came. Watched क्या है? Watched है past simple. But यहाँ पे हम किसी particular time की बात कर रहे हैं. जब मैं आई, तो मैंने देखा कि वो लोग TV देख रहे थे. Right? यहाँ पे past continuous tense use हो रहा है, जिसमें कि were plus ing. So they were watching. They were watching TV when I came. This is right. Next, past perfect simple. When I saw him, I noticed that he had a haircut. This is wrong. Why? Past perfect simple way, had plus verb की past participle form use होती है, okay? So यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ he had a haircut, सिर्फ एक ही बार had use किया, so इसमें क्या form use होती है? Had plus past participle. Had plus past participle. So, इसका आंसर होगा I noticed that he had a haircut. Right? यहाँ पे एक had missing है. So, this is the correct sentence. Means, जब मैंने उसको देखा, तो मैंने नोटिस किया कि उसने haircut करवाया हुआ था. जब मैंने उसे देखा, तो वो already haircut करवा चुका था. यानी कि ये already past है जब मैंने उसे देखा. I noticed, मैंने नोटिस किया. और उसके भी पास्ट पे हम आ जाएंगे कि जब मैंने उसे देखा तो वो ऑलरेडी हेयर कट करवा चुका था. राइट? सो दिस इज पास्ट, सो दिस इज पास्ट सिंपल. तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट सिंपल. सो ही हैड ए हेयर कट, उससे पहले ऑलरेडी हेयर कट हो चुका था. सो हैड प्लस ये क्या है?
have की past participle form. So had plus past participle आएगा past perfect simple में. So he had. Now main verb क्या है? Main verb है have. So have का past participle is had. So I noticed that he had a haircut. Okay, next. He told me that he has been to London. Again, यहाँ पर past perfect simple में had plus past participle आता है. So he had. Has is incorrect. Had. Had been. Been is the past participle of be verb. So he had been to London is correct. उसने मुझे कहा कि वो लंदन गया था. So next, past perfect continuous. I had been worked hard, so I felt very tired. So past perfect continuous. This is continuous. Continuous में क्या होता है? ing लग जाता है. Had plus been plus verb की ing form लग जाएगी, right? So I had been working hard. I had been working hard, so I felt very tired. Okay. So next is I had been hearing the song many times before. This is also incorrect. You because hear, know, like, understand, these are all stative verbs. As I already explained in my previous video, ye verbs continuous ke saath use nahi hote. So I had heard the song many times before. I hope this is clear. If you have any doubts, please do write us in the comment box below and we'll reply as soon as possible. How are you today? Fine. Good. So, we have already covered all the English tenses. Now it's time to test your knowledge. Okay, आज हम इस सेशन में कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर इंग्लिश टेंसेस में करते हैं. So, let's get started. Present simple tense से हम लोग स्टार्ट करते हैं. Present simple tense. यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं. इनमें आपको बताना है, ट्राई कीजिए कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. Like, good health depend on having a good diet. Or, good health depends on having a good diet. So, what do you think? Which one is correct? This one. Absolutely correct. This is correct. Why? He, she, present simple tense में he, she, it के साथ third person के साथ verb की s form add हो जाती है. He, she, it plus verb की s form add हो जाएगी. So that's why this is correct. Okay, now next question. Now next example. Anybody here speak French? Is it correct? Does anybody here speak French? This one is correct. Why? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको yes और no वाला question form करना है तो उसके लिए आप question words does या do का use करेंगे. Does के साथ सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी. जैसे डज एनीबडी यहाँ पे सब्जेक्ट है. डज एनीबडी स्पीक फ्रेंच. स्पीक इज वर्ब. तो डज क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो दिस इज करेक्ट. डज एनीबडी हियर स्पीक फ्रेंच इज करेक्ट. सो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज ही नहीं किया जो कि करना चाहिए. ओके, एंड हियर दिस इज करेक्ट
because of s form. ये incorrect है क्योंकि यहाँ पे s use नहीं किया. Okay, now present continuous. They are still waiting for you. They still waiting for you. You are absolutely correct. This is right and this is wrong. Present continuous में R के साथ ing लगेगा. यहाँ पर R missing है. So to be verb plus ing. Present continuous में, right? तो ये sentence correct है and this is incorrect. यहाँ पे R is missing. Okay. Next. I am believing you. I believe you. कौन सा करेक्ट है इनमें? This is correct. I believe you. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ing और to be verb का formula का rule नहीं लगेगा. This is an exception. क्योंकि believe, depend, come from, hate, like ये कुछ stative verbs हैं जिन जो continuous form में use नहीं होते. तो this is ये simple form में use होंगे. So I believe you is correct. This is an exception. ये correct है. This is incorrect. Next, present perfect simple. Steve has wrote a new book. Steve has written a new book. So, what do you think? Is this correct? Nah, this is incorrect. क्योंकि यहाँ पे helping verb के साथ past participle use होगा verb का. और ये wrote is past simple. Written is past participle. So, this is correct. Steve has written a new book. So, you have to remember helping verb have plus past participle of the verb. ठीक है? Steve has written a new book is correct. Next, I have been here since last week. या फिर I am here since last week. This is incorrect. This is correct. क्यों? क्योंकि again have plus been is a past participle of be verb. So I have been here since last week. Okay, next. I have been knowing him for 5 years. मैं उसे 5 साल से जानता हूँ. I have known him for 5 years. यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? Okay, यहाँ पे this one is correct. Again, this is an exception. जैसे हमने believe के बारे में सीखा था. अभी हमने बात की. Believe is a stative verb और continuous में ing form में use नहीं होता. Exactly same applies for no verb. No verb भी stative verb है. इसके साथ भी ing form use नहीं होती. तो I have known him for 5 years. This is correct. Okay. Present perfect continuous. It has been raining heavily all day. या फिर it's raining heavily all day. Which one is correct? This is correct. Because इसमें helping verb have plus been plus verb के साथ ing form लगेगी because it's continuous. So continuous में present perfect continuous में helping verb have plus been plus verb के साथ ing form verb की ing form लगेगी. So this is correct. This is incorrect. Next. I have sat here for 2 hours. I have been sitting here for 2 hours. ये सही है और ये गलत है. Reason अभी अभी जो मैंने logic explain किया have plus been plus verb की ing form. So this is correct. Okay. I hope this was clear. अगर आपको अभी भी लगता है कि टेंसेस में अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज हमारी वीडियोस पे दोबारा जाइए और दोबारा से
टेंसेस का वीडियो देखिए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश टेंसेस, तो प्लीज उन्हें देखिए. एंड इफ स्टिल देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.